हेलो दोस्तों, जनता पब्लिक, क्या हाल है। मुझे इतनी खुशी हो रही है आपको देख के, होपफुली आपको भी उतनी खुशी हो रही है मेरे को देख के। आज मैं जा रहा हूँ सिटी, क्योंकि मेरा काम है आज सिटी में, तो सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे रिलेटेड आपको यहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का पूरा पब्लिक सिस्टम भी एक बार समझाऊं। तो यहाँ पे आपको मेन बताता हूँ, मैं अभी एक्चुअली हूँ टानिट स्टेशन पे, जो कि मेरे घर से पास है। और यहाँ पे जो सिटी वगैरह जाने के या विक्टोरिया में ट्रैवल करने के तीन मेन आपके पास होते हैं ट्रैवलिंग के ऑप्शन। पहला तो आपका होता है मेन जो ट्रेन होती है, सेकंड आपका जो होता है मेलबर्न में स्पेशली, बाकी ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है लेकिन मेलबर्न में ट्राम का भी नेटवर्क बना हुआ है। ट्रेन में भी दो टाइप की होती है आपकी, एक होती है मेट्रो जो मेन मेलबर्न के सबर्ब्स में ले जाती है, के बाद में आपकी होती है वी लाइन। वो वी लाइन जो है रीजनल एरिया को कवर करती है, जो लंबा डिस्टेंस में जाती है, विक्टोरिया स्टेट के कोने कोने में जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेन लाइन का कवरेज। उसके बाद में मेलबर्न में क्या है कि ट्राम्स का भी कवरेज है। तो ट्राम क्या करती है, जो बचे हुए जो स्टेशन के बीच का जो सारा गैप है वाला फुलफिल करती है। ट्राम मतलब ट्रेन के मुकाबले छोटी होती है और थोड़ा फ्रीक्वेंटली स्टॉप करती है। उसके बाद में लास्ट अपना ऑप्शन होता है बसेस। बस क्या करता है, जिस एरिया में ट्राम नहीं है उन एरिया को बसेस कवर करती है, आपको ट्रेन स्टेशन वगैरह जाना उस चीज में हेल्प करती है। अभी मैं टानी स्टेशन पे हूँ, मुझे जाना था जॉब पे। मेरे पास यहाँ पे आने के दो ऑप्शन थे मेरे घर से, या तो मैं बस पकड़ के आ सकता था, या मैं आ सकता हूँ कार वगैरह से और यहाँ पे पार्किंग कर सकता हूँ। देखो अभी कितनी सारी पार्किंग अवेलेबल है सारी। ठीक है, ये टानी जो है यहाँ का बिजीएस्ट स्टेशन है सेकंड नंबर का विक्टोरिया का, यहाँ पे काफी पार्किंग अवेलेबल होती है, आप यहाँ पार्क कर सकते हो। तो मुझे तो आज पिताजी ने छोड़ दिया क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो रहा था, बसेस में थोड़ा टाइम लग जाता, कार से आप जल्दी पहुंच जाते हो। तो कोई नहीं, अभी अपन पहुंच गए टानी स्टेशन पे। अभी आपको समझाता हूँ यहाँ पे आगे का कैसा सिस्टम होता है। ठीक है, आइदर वे मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है इसलिए आपको मेरी आवाज में थोड़ा डिफरेंस लगेगा, लेकिन फिर भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो अपन आ गए टानी स्टेशन पे, यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, ये तो देखो ट्रेन स्टेशन में घुस रहे हैं अपन। यहाँ पे से आपको लेना होता है पहले एक्चुअली माइकी टिकट, तक माइकी का कार्ड मिलता है, जैसे वहाँ पे आप देख रहे हो ये मशीन से ले सकते हो आप, वो बंदी ने कार्ड लिया। ठीक है, कार्ड आप लेते हो और इसमें फिर आप टॉप अप कराते हो। ये माइकी का कार्ड आपकी ट्राम में भी चल जाता है, ट्रेन में भी चल जाता है और सेम कार्ड बस में भी चल जाता है। तो एक ही कार्ड होता है, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज हो जाता है ये कार्ड। एक्चुअली पहले क्या होता था, फिजिकल कार्ड होता था, और आजकल यही कार्ड आपके मोबाइल फोन में भी आ जाता है, गूगल वॉलेट वगैरह में। तो मैं तो वही यूज करता हूँ, मोबाइल में सीधे कार्ड रखता हूँ डिजिटल वाला और उसी को रिचार्ज वगैरह करके रखता हूँ। चलो अपन आ गए, प्लेटफॉर्म वन जा रहा है अपना सिटी की। और अंदर आने के बाद भाइयों, ये ऐसे मतलब स्टेशन में जाने के पहले ऐसे टैपिंग स्टेशन होते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल भी टैप कर दो, उससे आपका कट जाएगा पैसा, या आपका कार्ड टैप कर दो। वो चार्ज जो लगता है वो डिपेंड करता है आपकी कितनी ट्रिप है। जैसे आपने मान लो एक दो घंटे की ट्रिप करी और वापस टैप आउट कर दिया, तो आपको उसका चार्ज कम लगता है कंपेरेटिवली, लाइक $5 लगेगा। और इसका मैक्सिमम में कैब भी होता है दिन भर का चार्ज, आई थिंक $10 के आसपास होता है। अगर आप उतना ट्रैवल कितना भी ट्रैवल करो उसमें, फिर उस $10 से ज्यादा नहीं लगेगा पूरे विक्टोरिया में कितना भी ट्रैवल कर सकते हो। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टार्निट में जो लाइन आती है वो एक्चुअली वी लाइन है, जो कि रीजनल विक्टोरिया को कवर करती है यूजुअली, बट यहाँ पे मेट्रो की लाइन थी नहीं, तो इन्होंने वी लाइन को ही एक स्टॉप बना दिया टार्निट स्टेशन को, ताकि यहाँ के लोग जो है उनका कवरेज हो जाए। वेट करते हैं अपनी ट्रेन का, फिर अपन यहाँ से चलते हैं सिटी की ओर। वहाँ पे जाके फिर आपको ट्राम भी बताऊंगा और आई थिंक घर आते वक्त वापस से मैं बसेस भी बता दूंगा। इस तरह से अपना कार्ड निकाल के लोग करते हैं टैप, जहाँ से आप उतरोगे वहाँ पे भी टैप करना रहेगा। आ गए भाई, ये ट्रेन और बैठ रहे इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 PM हो गया तो इतनी भीड़ नहीं आई, लेकिन 8 से 8:30 वाली जो ट्रेन होती है उसमें काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि सब लोग जॉब पे 9 बजे पहुँचने की कोशिश करते हैं। जी लाइन की सीट्स थोड़ी कंफर्टेबल होती है, लॉन्ग जर्नी के लिए बनी होती है, और वी लाइन में एक्चुअली टॉयलेट्स भी होती है। पहुँच गए भाई स्टेशन, निकल रहे हैं बाहर। ये आगे भाई अपने सदर्न क्रॉस स्टेशन जो है मेलबर्न का बिजीएस्ट स्टेशन। ठीक है, यहाँ से दिखा देता हूँ उनको थोड़ा सा ओवरऑल। तो ऐसी ट्रेन की जर्नी होती है यार, ये वी लाइन होती है जो पिंक और ऐसे सिल्वर कलर में होती है, उसी तरह से जो ब्लू कलर की होती है यहाँ की मेट्रो लाइन होती है। तो जैसे अपन वहाँ जब घुसे थे तब भी अपने को टच ऑन करना पड़ा था, अभी यहाँ से अपन एग्जिट लेंगे तो भी अपने को टच ऑन करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो ये देखो जस्ट हम अभी बाहर निकले सदर्न क्रॉस स्टेशन के, और यहाँ पे देखो इस तरह से ट्राम चलती है, दिख रही है ये ट्रैक्स जो बने हुए रास्ते पे, सारे ट्राम ट्रैक्स बने हुए। तो सिटी में तो पूरी ऑलमोस्ट हर स्ट्रीट पे बीच में ट्राम चलती है, दोनों साइड में रोड होती है, गाड़ी जाती है। और ये देखो यहाँ पे ऐसी बस भी है, बस स्टॉप से बस, ये ट्राम और ट्रेन आपको दिखाई, ये मिला के यहाँ पे टोटल यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और एक ही कार्ड से चलता है, जो पीटीवी कार्ड है जो मैंने आपको दिखाया था, और वही पीटीवी कार्ड आपके मोबाइल में भी लग जाता है। अभी ट्रेन का तो मैंने सिस्टम आपको समझा दिया, टच ऑन टच ऑफ का आप ट्रेन स्टेशन में घुसने से पहले करते हो, लेकिन वही सिस्टम मैं अभी आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे ट्राम में जाने से पहले भी ट्राम में भी स्कैन करने के लिए होता है आपका कार्ड वगैरह। ठीक है, तो इसीलिए मेरी जॉब वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे, लेकिन मैं आपको यहाँ से चला के लेके जाता हूँ, अपन एक ट्राम पकड़ेंगे और उससे अगले स्टॉप तक जाएंगे। ठीक है, अभी ये बता रहे हैं यहाँ पे देखो ट्राम जाने वाली नंबर 96, जो कि सनकिल्टा बीच जाती है, 4 मिनट में आएगी, 9 मिनट में और 13 मिनट में। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि जो सिटी में जो टोटल ट्रैवल होता है ट्राम से वो एकदम फ्री होता है। ठीक है, तो सिटी में आपका कोई कॉस्ट नहीं लगता, लेकिन जैसे ही सिटी से आप बाहर जाते हो ट्राम में, फिर आपको टच ऑन और टच ऑफ करना पड़ता है, उसके लिए आपके पैसे लगते हैं। तो सिटी यहाँ पे होती है 6 स्ट्रीट बाई 6 स्ट्रीट की, तो भी मतलब घूमना फिरना अगर आप सिटी में आ रहे हो तो आपका फ्री ट्रैवल हो जाता है आने के बाद में, बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता कार्ड। ये आ गए भाई और ट्राम यहाँ की। ठीक है, ये नई वाली ट्राम है, इसी तरह कुछ पुरानी ट्राम भी होती थी जिसमें स्टेप होती थी, ये वाली इन्होंने एकदम फ्लैट कर दी, बस दरवाज़ा खुलता है और अंदर जाओ। ठीक है,
ये देखो दोस्तों, इस तरह का टच मशीन यहाँ पे लगा के रखते हैं। अगर आपको अभी तो वैसे फ्री है ट्रैवल, तो मैं कर नहीं रहा हूँ मेरा मोबाइल टच, क्योंकि मुझे एक ही स्टॉप जाना है सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप ट्राम सिटी से बाहर जा रहे हो तो आपको लंबे ट्रैवल के लिए फिर यहाँ पे टच ऑन करना रहता है, और उतरते फिर यहीं पे टच ऑफ कर दो तो आपका जो भी फेयर है वो कट हो जाता है। ये देखो भाई, निकल के आ गए अपन क्राउन कैसीनो के वहाँ पे सामने। क्राउन कैसीनो ये साउथ बैंक की तरफ आ गए मेलबर्न के। अपन तरह से ट्राम के ट्रैक्स बने हुए थे रोड में और साइड में होती डोर। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से होता है ट्रैवल। तुम्हारा ट्राम और ट्रेन में पीटीवी का जो कार्ड होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट विक्टोरिया का, माइकी पहले बोलते थे उसको, पीटीवी का कार्ड यूज़ करके, ठीक है, टच ऑन करो टच ऑफ करो। मैं एक दिन का आपका जो मैक्सिमम फेयर होता है वो $9.20 कुछ होता है, मतलब उसमें आप जितना ट्रैवल चाहो, जितने भी सारे जो सिस्टम है उन सब में ट्रैवल कर सकते हो, बस ट्रेन ट्राम सब कुछ इंक्लूड करके। अगर तुम छोटे डिस्टेंस का ट्रैवल करोगे तो कम चार्ज भी हो सकता है आपको, ठीक है। बस का जो ट्रैवल है अपन जाते वक्त करेंगे, ठीक है, घर पर जाते वक्त वाला वीडियो में फिर इसमें ऐड कर दूँगा। बस का भी वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिस तरह से ट्राम की ट्राम के स्टॉप्स होते हैं उसी तरह बस के स्टॉप्स होते हैं। जाते वक्त उसी को टच करना रहता है कार्ड को, उसी को टच ऑफ करना रहता है। बस वगैरह का रूट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपको सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन डालनी है। आजकल गूगल मैप्स भी खुद बता देता है आपको कौन सी बस पकड़नी, कौन सी ट्रेन पकड़नी, कौन सी ट्राम पकड़नी है, ताकि आप आपकी डेस्टिनेशन पर जल्द से जल्द पहुँच जाओ। हेलो दोस्तों, बस रुके थे एक लंच के लिए और फ्रेंड्स लोगों के साथ में लंच किया था फ्राइडे को, और ये मेलबर्न की गली से निकल रहे हैं। देखो दोनों तरफ ग्राफिटी वर्क कर रखा है इन्होंने, इधर भी ये गलियों में करके रखते हैं, ग्राफिटी का काफ़ी इधर ट्रेंड होता है। हाँ तो दोस्तों, कल वाला जो मेरा वीडियो था जिसमें मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारा समझा रहा था, उसमें मैंने ट्रेन्स कवर कर दी थी आपके लिए, ट्राम्स कवर कर दी थी। सिमिलरली मैं आपको ना यहाँ का बस स्टॉप का भी सीन बता देता हूँ। मेरे घर के सामने यहाँ पे बस स्टॉप है। अभी इन्होंने यहाँ पे विक्टोरिया में चेंज कर दिया रूल। पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पे ना अगर तुम कंट्री साइड जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लगते थे, जैसे $30 का टिकट लग रहा है अगर आप विक्टोरिया के कोने में जा रहे हो, मेलबर्न के कोने में जा रहे हो विक्टोरिया में, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने उसको चेंज करके कर दिया है कि सेम प्राइस पे सेम टिकट पे जो फुल डे का इनका चार्ज होता है $9.20, उसमें आप पूरे विक्टोरिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। टाइमिंग और परफेक्ट हो नहीं सकती क्योंकि हम जस्ट आ गए हैं और एक बस भी आ गई है, तो मैं इसमें एक छोटा सा आपको ट्रिप भी करके बता दूं, और वो 182 नंबर की बस आ गई है अपनी, ठीक है। इस तरह से चाहो तो आप या तो कार टच कर दो, यहाँ पे टच करने के लिए होता है, अनाउंसमेंट भी कर दी उन्होंने बस में कि टच ऑन योर माइक, स्टॉप बटन होता है जब भी आपको बस को रोकना हो कहीं पे। अभी अपन इसको दबा देते हैं क्योंकि अपन नेक्स्ट स्टॉप पे रुकेंगे। हो गया बस स्टॉप। ये जो सीटें प्रायोरिटी वाली है, जो मतलब जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए होती है मोस्टली। जैसे चढ़ने के लिए था वैसे उतरने के लिए भी आपको टैप ऑफ करने के लिए मशीन लगी होती है। सिर्फ सैंपल के लिए एक स्टॉप पे चढ़ा, दूसरे स्टॉप पे उतर गया, दोनों स्टॉप अपने घर के पास में। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका पीटीवी कार्ड होता है इसको आप दो तरह से रिचार्ज कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें पास डलवा सकते हो, वीकली पास या मंथली पास, वो आपको थोड़ा चीपर पड़ता है, तो उसमें आपको जितना ट्रैवल करना हो करो। लेकिन अगर आप कम ट्रैवल करते हो, जैसे कि मान लो दो दिन ही जा रहे हो कहीं पे, तो आप एक काम करो कि आप रिचार्ज अमाउंट डलवा लो, जब जब आप ट्रैवल करोगे टच ऑन टच ऑफ करोगे तो आपका कम पैसा लगेगा। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आपको हर रोज ही ट्रैवल करना होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो आप मंथली पास ले लो, वो आपको कंपेरेटिवली चीपर पड़ता है, उसमें आपके $40-50 बच जाते। मेरे दूसरे वीडियो भी देखो, उसमें मेलबर्न का मैं सारा कवर करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन कवर करता हूँ और अपनी लाइफ के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों सर्दी हो गई थी, सर्दी के बाद में कल मैं जॉब पे गया था, तो इतने लोगों से बात वगैरह करी थी के कारण मेरा गला भी थोड़ा बेड़िया है, लेकिन फिर भी वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही। अब लोगों को भी देख के मजा आ रहा है, तो मुझे बनाने भी ये चीज मजा आती है, ठीक है। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहो और इसी तरह का कंटेंट आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। इस गाड़ी पे मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो आ रहा है दोस्तों, पिताजी को इसका एक्सपीरियंस कराऊंगा। ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कार है जो मेरी फेवरेट है। टेस्ला तो ठीक है एवरीडे के लिए काम आती है, लेकिन ये है जो मेरी फेवरेट गाड़ी है। इस पे मैं नया वीडियो बनाता हूँ जल्दी, नेक्स्ट वाला इस पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखो, बने रहो और आपके लिए नया कंटेंट लेके आएंगे।